The show was a great success, Lisa. Yeah. इसका क्या कारण है? Well, I think जो perfect combination east और west का हुआ है, I think that's the reason the show is super hit. कबल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा ख्याल लीजा ठीक ही कह रही है जी. और इसकी कामयाबी का कारण शायद फ्यूजन ही है. ओह, मैंने कहा ये फ्यूजन ही है या कोई और बात है? Well, I think there's more to it. ये दो personalities का सही combination है. इसलिए सारी दुनिया ने हमारी जोड़ी पसंद की है. Myself, Modi. Actually, I got it together. जैसे हमारी पंजाबी वो कहते हैं, मैंने इनका टांका जोड़ा है. जैसे मेरा पोस्टर में नाम पढ़ा होगा आपने. Okay. आने वाले समय में क्या हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप दोनों इकट्ठे काम करेंगे? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जी. अब हम नए नए गीत रिकॉर्ड करेंगे और फिर पूरी दुनिया में शोज करेंगे. मैंने कहा ये रिलेशनशिप शो तक ही रहेगी या आगे तक भी बढ़ेगी? आई मीन एनी मैरिज प्लान्स? वेल, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट हु नोस, कुछ भी हो सकता है. हेलो लाडी, लाडी मैं कमल बोल रहा हूँ. लाडी अनबिलीवेबल. ये देखो, किस्मत किसको कहां पहुंचा दे वक्त से पहले कोई नहीं बता सकता. किसकी बात कर रहे हो भाई? उसी लड़के की जिसको देखने के लिए तुमने मुझे गांव भेजा था. उसका बाप खुद उसे निकम्मा कहता था और आज देख लो, टीवी पे उसके इंटरव्यूज आ रहे हैं और मैगजीन में फोटो छप रही. हाँ, लाइफ इज लाइक दैट प्रोफेसर साहब, टाइम बदलते देर नहीं लगती. मैं वही सोच रहा था कि जिस बाप ने मेरे सामने अपने बेटे को बेकार और निकम्मा कहा था, उसकी कामयाबी देखने के बाद वो क्या सोचता होगा? सोचेगा क्या, वो तो बहुत खुश होता होगा. वैसे मैंने अक्सर देखा है, जिसको हम खोटा सिक्का समझते हैं, वो कई बार सबसे आगे निकल जाता है. भाई जिस घर में रिश्ते की बात करना गुनाह थी, आज उसी घर के सामने रिश्तों की लाइन लगी होगी. लगी है तो लगी रहे, हमें किसी से क्या लेना. किसी ने किसी से क्या लेना है भाई? इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद अब पता चलेगा कि आदमी अपने पास्ट को कितना याद रखता है. ये लाडी को क्या हुआ है? मैंने कोई गलत बात कह दी? वैसे तू इससे जाकर पूछ, अगर ये चाहती है कि मैं फिर उसके घर जाऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं है. लाडी, हाँ मम्मा, बच्चे मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तो बहुत उदास रहती है. देख, तेरे पापा कह रहे थे अगर तू चाहती है तो वो उस लड़के के घर दोबारा जाने को तैयार है. नहीं, जब पापा को एक बार वो लड़का पसंद नहीं आया तो दोबारा वहाँ जाने का क्या फायदा, उसे तो मैं कब का भूल चुकी हूँ. अगर भूल चुकी है तो तेरी आंखें नम क्यों है? कुछ तो है बच्चे जो तुम उसे छुपा रही है. कुछ है ही नहीं मामा, मुझे तो अफसोस है कि पापा को मेरे लिए एक ऐसे लड़के के पास जाना पड़ा जो बिल्कुल निकम्मा था. पर बच्चे, आज तो उसका बड़ा नाम है. पैसे या शोहरत से आदमी बड़ा नहीं बनता मामा. पता नहीं उस दिन भाभी ने क्या उल्टा सीधा बोल दिया, मैं तो उस लड़के को ज्यादा जानती भी नहीं मामा. मामा, आप पापा से कह दीजिए वो जहां चाहे मेरी शादी कर दे, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी. कभी माफ नहीं करूंगी कमल, कभी नहीं. हेलो, सत श्री अकाल भाभी, मैं कमल बोल रहा हूँ. कमल है? वे तो कहाँ, ईद का चांद हो गया. शुक्र है तुझे भाभी की याद तो आई. तुम सबको मैं कैसे भूल सकता हूँ भाभी,
पापी मैं लाडी को फोन लगा रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रही। वो तेरे पास तो नहीं आई भाभी? आई थी, बहुत उदास थी। मैंने कुछ पूछा तो रोने लग गई। मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ कर ना बैठे। बस तू जल्दी आ जा कमल। ठीक है भाभी, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। यही तो बुरी बात है तुम पंजाबी लड़कों की, अभी भी शर्मा रहे हो। भाई हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे, अब अपने आप को कैसे बदले। पर कई बार बदलते टाइम नहीं लगता। जरा मेरी तरफ ही देखो, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं किसी को इतनी जल्दी पसंद करूंगी। क्या हुआ, अब ये भी नहीं पूछोगे कि वो कौन है? सॉरी, मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं है लीजा। और अगर ये हक मैं तुम्हें दे दूं तो? फिर मैं ये जरूर पूछूंगा कि वो खुशकिस्मत है कौन। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नहीं लीजा, ये नहीं हो सकता। ये सच है कमल, तुम ही हो जिसने मुझे मेरी जिंदगी की नई राह दिखाई। पूरी दुनिया मेरे पीछे घूमती है, पर मैं कब तुम्हारी हुई मुझे पता ही नहीं चला। तुम क्या कह रही हो लीजा, हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं पहले ही किसी का हो चुका हूं। कौन है वो? है एक दोस्त पंजाब में, हम दोनों इकट्ठे रहने की कसमें खा चुके हैं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं कहा? मैंने कहना जरूरी नहीं समझा? हाँ हाँ, तुम कहते भी तो क्यों? मेरी उंगली पकड़ के शोहरत तक पहुंचना यही तुम्हारा मकसद था, इसीलिए तुमने मुझे अंधेरे में रखा ना। मैंने तुम्हें कभी भी गलत नजर से नहीं देखा लीजा। तो फिर तुम मेरे इतना करीब क्यों आए? हमारा मेल सिर्फ गाने तक का था, इसके आगे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरे डैड ठीक ही कहते हैं, सारे के सारे झूठे हो, यू ऑल आर लायर्स। प्लीज मुझे गलत मत समझो लीजा, तुम तो खुद ही चलकर मेरे पास आई थी ना, और अगर मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था। I hate you. आओ बैठो मुंडी साहब। नो, मैं बाद में बैठूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, क्या मुझसे नाराज क्यों है? मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है मुंडी साहब। अगर नाराजगी नहीं है तो वापस क्यों जा रहे हैं आप? ये मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। नो, आई डोंट बिलीव मुंडी साहब की यहां कभी धोखा नहीं खा सकती। इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई फील सॉरी। ओके, बात यह है मुंडी साहब, पंजाब में एक लड़की है जो मेरा इंतजार कर रही है। What are you talking about? एक इतनी बिग इंटरनेशनल स्टार को छोड़ के एक वो पंजाब की मामूली लड़की के लिए आप वापस जाना चाहते हैं? You gone mad? Amazing. ये दिल की बात है मुंडी साहब,
जो समझनी भी मुश्किल है और समझानी भी मुश्किल है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आपने कभी किसी से प्यार किया? यू नो सिद्धू साहब कि मेरी लाइफ बहुत फास्ट है, मुझे लाइफ में टाइम ही नहीं मिला कि मैं किसी से प्यार करूं। पर एक बात बताऊं, जो ना वो परमिंदर कौर है मौके वाली, यू नो पेरी, समटाइम्स मुझे बहुत याद आती है, इनफैक्ट आई मिस हर। तो आपको रोका किसने है? जाकर उसका हाथ पकड़ लो, मेरा दिल कहता है वो आपको बहुत खुश रखेगी। माय गॉडनेस, जब मैं पंजाब से वापस आया मुझे याद है उसने मुझे कहा था सर मेरा पासपोर्ट रेडी है। Stupid, stupid. मैंने उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया। नॉट अ प्रॉब्लम पैडी, ये पैक तेरे नाम। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बडी, आई अंडरस्टैंड, बट यू डोंट फॉरगेट वन थिंग, आई मेड यू। हेलो लीजा। हाय, मैं समझ गई थी कि तुम ज्यादा देर यहाँ नहीं रहोगे, पर इतनी नाराजगी ठीक नहीं होती है कंवल। कल मैं तुमसे नाराज थी, आज तुम मुझसे नाराज होकर वापस जा रहे हो। मैं सच कहता हूँ लीजा, मैं तुझसे हरगिज नाराज नहीं हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। दुख तो तब होता जब तुमने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया होता। गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुम्हें वो समझ बैठी जो तुम थे ही नहीं। मेरी कामयाबी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है लीजा, मैं तो तुमसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं। माफी तो तब मांगो अगर तुमने कुछ गलत किया हो। ये कहकर तूने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा लीजा। मैं तुम्हारे जैसा इंसान खोना नहीं चाहती कंवल, पर हम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना सारी उम्र। बस एक बात याद रखना कि यूके में तुम्हारी एक दोस्त है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तेरा कर्ज कैसे चुकाऊंगा लीजा, ये तो मुझे भी नहीं पता। वहां जाकर फोन जरूर करना, इतना तो हक है ना मेरा तुम पर।